दोस्तों, क्या आप भी एक यूट्यूबर हैं या इन फ्यूचर एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं और यूट्यूब पर मेहनत बिल्कुल भी नहीं करना चाहते, बिना मेहनत के यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में आप बिल्कुल सही आएंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस स्टेप से बॉलीवुड सॉन्ग्स को आसानी से रियूज करके अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हैं और यूट्यूब से काफ़ी सारी अर्निंग कर सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा गाइस कि बॉलीवुड सॉन्ग कोई भी हम यूज़ करते हैं तो हमें वहाँ से तुरंत कॉपीराइट क्लेम मिल जाता है, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ जिसकी हेल्प से आप बॉलीवुड सॉन्ग को यूज़ कर सकेंगे, आपको इन फ्यूचर कभी भी कॉपीराइट क्लेम नहीं मिलेगा। इनफैक्ट आपको कभी भी कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं मिलेगी, आपका चैनल भी रियूज कंटेंट में नहीं आएगा और इन फ्यूचर आपका चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा। यकीन नहीं हो रहा गाइस, आप लोग साइड में देख सकते हैं, ये मेरे फ्रेंड का चैनल है, ये यूट्यूब पर बॉलीवुड सॉन्ग्स अपनी वीडियोस में यूज करके अपलोड करता है। इसका चैनल फाइनली मोनेटाइज हो चुका है और ये यूट्यूब से अर्निंग भी कर रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम करते हैं वीडियो को स्टार्ट और मैं पूरा प्रोसेस आपको आसानी से शॉर्ट में समझाता हूँ कि किस टाइप से आप भी बॉलीवुड सॉन्ग्स को या किसी भी सॉन्ग्स को अपनी वीडियोज में यूज कर सकेंगे और आपको इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, जैसा कि आपको मालूम है कि 2023 स्टार्ट हो चुका है एंड 2023 में यूट्यूब एक न्यू गजब का धमाकेदार फीचर लाने वाला है जिसका नाम है क्रिएटर म्यूजिक। तो गाइस, ये फीचर है क्या, इसमें होगा क्या, मैं आपको बता रहा हूँ। इस फीचर के अंतर्गत गाइस हम अपने वाइट स्टूडियो ऐप में जाएंगे, वहाँ पर हमें एक अलग सेक्शन देखने के लिए मिल जाएगा क्रिएटर म्यूजिक के टाइप का। उसको जैसे ही हम ओपन करेंगे तो वहाँ पर तरह तरह के सॉन्ग्स हमें देखने के लिए मिलेंगे, बॉलीवुड हॉलीवुड किसी सीरियल के किसी रिंगटोन वगैरह सारे सॉन्ग्स हमें वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। इनफैक्ट अगर हम कोई अपना फेवरेट सॉन्ग सर्च करना चाहें तो वहाँ पर सर्च करके भी निकाल सकते हैं। सपोज दैट आपको किसी मूवी का सॉन्ग पसंद आया, गाइस आपने उस मूवी के सॉन्ग को सिलेक्ट करके अपनी वीडियो में यूज करना चाहा, तो वहां पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन मिलेगा वहां पर आपको पेड, मतलब आप किसी सॉन्ग को परचेज करके अपनी वीडियो में यूज कर सकते हैं, आपको कुछ पैसे वगैरह देने पड़ेंगे। एंड आई एम श्योर गाइस कि आप कभी भी किसी सॉन्ग को परचेज नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग यही चाहते हैं कि फ्री में हमारा काम हो जाए। एंड वहां पर गाइस हमें दूसरा ऑप्शन मिलेगा रेवेन्यू शेयरिंग का। तो गाइस मैं आपको दोनों ऑप्शन के बारे में बता देता हूँ। जब भी हम किसी सॉन्ग को परचेज करेंगे तो हमें वहां पर कुछ अमाउंट जो है वो पहले से सॉन्ग के सेट होंगे, वो अमाउंट पे करना होगा और हम सॉन्ग को एक ही बार परचेज कर सकेंगे एंड लाइफ टाइम इस सॉन्ग को अपनी वीडियोस में यूज कर सकेंगे। सपोज दैट कोई $14 का सॉन्ग है, कोई $50 का सॉन्ग है, तो हम उतने पैसे कट करके उस सॉन्ग को परचेज कर सकेंगे। एक तरह से उस सॉन्ग का लाइसेंस हमारे पास आ जाएगा, हम उस सॉन्ग्स को अपनी वीडियोस में कभी भी यूज कर सकेंगे, हमें कभी भी कोई कॉपीराइट की प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड गाइस बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, वहां पर एक दूसरा ऑप्शन मिलेगा रेवेन्यू शेयरिंग का। अगर आप सॉन्ग परचेज नहीं कर सकते तो आप रेवेन्यू शेयरिंग करके भी उस सॉन्ग को यूज कर सकते हैं। इस फीचर में होगा कि गाइस हमने कोई भी सॉन्ग यूज किया, उस सॉन्ग को यूज करने के बाद गाइस हमारे चैनल पर जितनी भी अर्निंग होगी उस वीडियो से, जिस वीडियो में हमने सॉन्ग को यूज किया होगा, सपोज दैट आपके उस वीडियो से आपने $100 कमा लिए, तो आपको $50 उस ओनर को देना पड़ेंगे और $50 आपको खुद रखने पड़ेंगे। इस टाइप से उस सॉन्ग के जो है वो रेवेन्यू शेयर हो जाएगा, आधे पैसे उस ओनर के पास चले जाएंगे, आधे पैसे आपको मिल जाएंगे। सो इस टाइप से भी आपको कभी भी यूट्यूब पर कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं मिलेगा, आपकी वीडियो रियूज कंटेंट भी नहीं आएगी, आपका चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा। तो कहते हैं क्रिएटर म्यूजिक का जो फीचर है वो यूट्यूब ने 2023 के फरवरी में लॉन्च करने की अनाउंसमेंट कर दी है। फरवरी 2023 में ये फीचर हम सारे क्रिएटर्स को अपने वाइट स्टूडियो ऐप में देखने के लिए मिल जाएगा। आप लोग वहां से किसी भी सॉन्ग को परचेस करके या रेवेन्यू शेयरिंग करके अपनी वीडियो में यूज कर सकते हैं। सो गाइस, मेरा आपको लास्ट में सजेशन यही है कि अगर अभी तक आपने अपना चैनल मोनेटाइज नहीं किया है तो थोड़े दिन तक वेट और कर लीजिए। फरवरी में जब भी फीचर आ जाए तो उसके बाद ही आप अपने चैनल को सही से प्रॉपरली चेक करने के बाद मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करिएगा। इनफैक्ट गाइस, अगर आप अपनी वीडियोज में किसी सॉन्ग को यूज कर चुके हैं और आपको लग रहा है कि इसकी वजह से मुझे कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा या मेरा रियूज कंटेंट माना जाएगा, तो फरवरी तक वेट कर लीजिए। फरवरी के बाद इस फीचर को आने के बाद आप उस सॉन्ग का रेवेन्यू शेयर कर सकते हैं और सॉन्ग को परचेस कर सकते हैं, जैसा भी आपकी मर्जी हो। उसके बाद फरवरी में आप आसानी से अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर दीजिएगा एंड अगर सब कुछ सही होगा तो आपका चैनल फाइनली मोनेटाइज कर दिया जाएगा। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। मुझे लगा इस फीचर के बारे में आपको बताना चाहिए क्योंकि यूट्यूब पर आज भी काफी सारे क्रिएटर्स ऐसे हैं गाइस जिनको मालूम नहीं होता कि कौन सा सॉन्ग यूज करना है, कहां से यूज करना है, जिसकी वजह से वो कोई भी सॉन्ग यूज करके अपनी वीडियो में अपलोड कर देते हैं और उनको कॉपीराइट क्लेम मिल जाता है एंड मोनेटाइजेशन के बाद काफी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। सो इस फीचर के आने के बाद गाइस ना ही हमें कॉपीराइट क्लेम मिलेगा, ना ही हमारा चैनल रियूज कंटेंट में आएगा, फाइनली हमारा चैनल आसानी से मोनेटाइज हो जाएगा। आपकी अपडेट कैसा लगा गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो गाइस तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन ऑलवेज वर्क हार्ड बट नेवर गिव अप।